जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट आपके चैनल को कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत धन्यवाद। और आपका बाबा भोलेनाथ हमेशा आपको खुश रखे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका हिंदू नववर्ष कैसे रहने वाला है। गुड़ी पड़वा 13 अप्रैल को है, जैसे कि कल। सबसे पहले आप सभी को गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामना। भोलेनाथ से मैं दुआ करता हूँ कि आपका आने वाला वर्ष जो है खुशियों से भरा हुआ हो। तो ये जो साल है ये कैसा रहने वाला है आपके लिए? 2078 हमारा संवत शुरू हो चुका है, तो ये साल में क्या क्या चीज़ें नई होने वाली है, क्या क्या चीज़ें में बदलाव आएगा और हमें कौन कौन सी सावधानी और कौन कौन से मंत्रों का जाप इस साल करना चाहिए जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा हो। जैसे कि इस वर्ष का जो राजा है वो मंगल है, तो कई सारी चीज़ें जो हैं इस वर्ष क्या क्या होने वाली है वो इन सभी पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें। कमेंट्स में लिखिए ओम नमः शिवाय, जय श्री शंभु, हर हर महादेव। और यदि जीवन में कोई तकलीफ या परेशानी से आप गुजर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका शुल्क फीस लागू है। सबसे पहले बात करें आर्थिक मोर्चे पर। आर्थिक मोर्चे पर दोस्तों हमें हमारी भूमि भवन इनसे बहुत अधिक लाभ होने वाला है। जैसे कई बार हम किराए के मकान में हैं तो बहुत बार हमारा खुद के मकान की संभावना होती है, क्योंकि मंगल जो है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ, उनके ज़मीन के अधिपत्य आती है। तो वो मुख्यतः जो लोग बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत दिनों से परेशान हैं किसी भी राशि के जातक, वो लोगों के लिए बहुत एडवांटेज वाला साल ये पूरा रहेगा। मतलब उनके लिए जीवन में एक बूस्ट का टाइम आएगा। हालांकि ये महामारी का दौर अभी फिर से सक्रिय हो चुका है, लेकिन ये जो दौर जैसे ही गुड़ी पड़वा आएगी इसके बाद धीरे 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 मंगल अपना प्रभाव करेगा और ये धीरे धीरे महामारी का प्रकोप जो है वो कम होता जाएगा, बहुत जल्दी कम होता जाएगा। अब दूसरी बात हम करें, लोग बहुत सारे दाम्पत्य के हिसाब से जिन जातकों को मंगल है खासकर, उन लोगों के लिए जो बहुत दिनों से जैसे विवाह नहीं हो रहा है, प्रयास करते हैं उसके बाद भी उनका विवाह नहीं होता है और बहुत से अड़चने आती है शादी ब्याह में, तो वो जो अड़चने हैं वो खत्म होने वाली है, ये बात आप समझ लीजिएगा। तीसरे मोर्चे पर बात हम अगर करें रोजगार की दृष्टि से, बहुत बहुत ही बहुत अच्छा साल रहने वाला है। क्योंकि अभी जो दो महीने हैं इनिशियली जो है उनमें थोड़ा सा चीज़ें जैसे लाइन पर आने में वक्त लग सकता है, लेकिन विद इन दो महीने के अंदर अंदर 60 दिन 50 दिन जो है इसके बाद चीज़ें जो है वो पॉजिटिव वे में होती जाए। तो ओवरऑल यह साल आपके लिए बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, हर एक राशि के जातक के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है। आप इस साल अपने गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, अपने इष्ट मंत्र का जाप करें और बी पॉजिटिव रहें। इस साल बहुत सी चीज़ें जीवन में सकारात्मक वे में जाएगी जिससे आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।